पटना की सड़कों पर अब आप बेखौफ होकर घूम सकते हैं। दरअसल अब 112 यानी डायल 112 पटना की सड़कों पर घूमने लगी है, यानी ये एक सुरक्षा का एहसास है आम लोगों को। 112 नंबर पर आप डायल करेंगे और मिनटों में जो पुलिस है वो आपके पास आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। फिलहाल ट्रायल रन पर ये गाड़ियां सभी हैं और विभिन्न इलाकों में इन गाड़ियों की पेट्रोलिंग की जा रही है। सबसे पहले ये बताइए कि आप पुलिस में हैं और अब डायल 112 की जिम्मेदारी आप लोगों को मिली है, तो कितना अलग है ड्यूटी, कितनी अलग हो गई है? 24 घंटा सर ड्यूटी है, 3 ड्राइवर है, 1 आर्मी डिफेंस जो देश का सेवा किया, अभी जनता की सेवा कर रही है। जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई है पहले? बहुत, अभी मौका मिला है जनता, सिविल जनता का सेवा करने का, तो जिम्मेवारी क्या, हमारा ड्यूटी है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आम जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं उसमें इतने इक्विपमेंट लेस नहीं होते हैं, लेकिन इस बोलेरो गाड़ी की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं। इसके अंदर GPS है और बाकी सारे नेविगेशन सिस्टम है। देखिए कि अधिकारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि जिम्मेदारी पहले भी आपकी थी, अब और बढ़ गई है क्योंकि क्विक रेस्पॉन्स देना है, तो क्या कुछ ट्रेनिंग हुई है और क्या कुछ बताया गया है और पहले से कितना अंतर आ गया है ड्यूटी में? पहले से क्विक रिस्पॉन्स लेना है, अगर 112 पर कोई किन्हीं की परेशानी है वो कॉल करते हैं तो हमको वहाँ पे पहुँचना है, पहुँच के उनकी परेशानी दूर करना है। कैसे पूरा फंक्शन कैसे होता है, थोड़ा वो आप समझाइए। 112 पे डायल किया जाता है, तो ये हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर से यहाँ पर मैसेज आता है, संबंधित थाना क्षेत्र में मैसेज आता है, नज़दीकी गाड़ी पर मैसेज आता है। मैसेज कहाँ पर आता है? तो देखिए एक बार यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर सामने एक बड़ा सा टैब लगा हुआ है और यहाँ पर कोई भी एक व्यक्ति जो नीडी है वो फ़ोन अगर 112 नंबर पर वो डायल करेगा तो जो कॉल सेंटर है वो सीधे फॉरवर्ड जो संबंधित थाना है, जो संबंधित जो डायल 112 की गाड़ी है उस इलाके से, उस घटनास्थल से नज़दीक रहेगी। तो पूरा जो सिस्टम है वो नेविगेशन, वो GPS पर आधारित है और फिर इनके पास कॉल आएगा, मैसेज आएगा और ये संबंधित घटनास्थल पर क्विक पहुँचेंगे। ये बताइए कि अभी तो ट्रायल रन पर है, तो क्या शुभारंभ हो गया है, क्या इस बीच कोई घटना आई जिसको आप लोगों ने सॉल्व किया? हाँ, छः इस पे आया है, मेरे गाड़ी पे 6 ये आए हैं, 6 का सॉल्व किया गया है, क्विक रिस्पॉन्स लिया गया है। आप लोग को ट्रेनिंग भी दी गई होगी? हाँ बिल्कुल। क्या ट्रेनिंग में क्या कुछ है? यही इसी संबंधित बताया जाता है, कैसे क्या करना है, कहाँ करना है इसे। तो देखिए कि पटना की सड़कों पर अब आप गुजरेंगे तो इसी तरह से आपको डायल 112 की गाड़ियां दिखेंगी। आपातकालीन हेल्पलाइन है और सबसे बड़ी बात है कि ये सिर्फ गाड़ी नहीं है बल्कि लोगों में एक सुरक्षा का एहसास है कि आप कहीं भी हैं डायल 112 पर आप कॉल करेंगे तो आपकी मदद के लिए पटना पुलिस मिनटों में पहुँच जाएगी। हम तो डायल 112 की बात करें तो इसका स्लोगन भी है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी, यानी पटना पुलिस की जिम्मेदारी, यानी आप कहीं भी रहें अगर किसी परेशानी में फंसते हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 112 पर आप डायल करेंगे और पटना पुलिस महज 15 मिनट में आपके पास होगी, आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। डायल 112 की ऐसी कुल 60 गाड़ियाँ जो हैं वो पटना के विभिन्न इलाकों में गश्त कर रही हैं और तकरीबन अगर बात करें तो सैकड़ों पुलिसकर्मी जो हैं 3 शिफ्ट में अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में महिला पुलिसकर्मियों को भी डिप्लॉय किया गया है, तकरीबन 270 से 280 महिला पुलिसकर्मी भी डायल 112 की जिम्मेदारी, यानी पटना के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा के एहसास की जिम्मेदारी निभा रही है। देखिए कि महिला अधिकारी हैं और ऑन ड्यूटी हैं। ये बताइए कि 112 एक नंबर नहीं है बल्कि सुरक्षा है, जो एक भरोसा है लोगों का, ये जिम्मेदारी आपको मिली? हाँ, ये पूरे इंडिया में है, केंद्र सरकार की है, पूरे इंडिया में अभी ट्रायल में है, अभी ट्रायल चल रहा है। ये बताइए कि ये जो जिम्मेदारी मिली है, चलिए आप तो पुलिस में हैं लेकिन क्विक रेस्पॉन्स देना है, लोगों के पास पहुँचना है, तो ट्रायल में ही किसी तरह के मामले आए हैं कि नहीं अब तक? बहुत आए, 10-12 केस आ चुका है। एक दो बताइए, थोड़ा साझा कीजिए। अभी नहीं बता। अच्छा चलिए, देखिए कि इनकी क्या है कि थोड़ी मजबूरी है, लेकिन हम लगातार पुलिसकर्मियों से ऑफ कैमरा भी बात कर रहे हैं और पुलिसकर्मियों का कहना है कि अभी ट्रायल रन पर ही है और तकरीबन एक गाड़ी जो चल रही है डायल 112 की
उसमें लोगों को 7 से 8 शिकायतें मिली और फौरन ऐसी जो डायल 112 की जो गाड़ी है, ऐसी जो अधिकारी हैं, वो लोग ऑन स्पॉट पहुंचे और लोगों को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की, उनकी समस्याओं का निराकरण किया। तो देखिए कि किस तरीके से पटना की सड़कों पर अब डायल 112 की गाड़ियाँ दौड़ रही हैं। ऐसे जो पुलिसकर्मी हैं, जो तेज तर्रार पुलिसकर्मी हैं, वो 24 घंटा आपकी सुरक्षा को लेकर ये आश्वस्त हैं और लगातार सड़कों पर गश्त है। अब समझिए कि 24/7 मोड में ऐसी 60 जो गाड़ियां हैं वो पटना की सड़कों पर आपको दिखेंगी। तो अगर खुदा न खास्ते किसी तरह की आपको परेशानी आती है तो बिल्कुल मत आप परेशान होइए, बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि 112 आपके साथ है, 112 आपके साथ है। आप यहाँ पर कॉल करेंगे और फौरन जो पुलिस की ये गाड़ी है, जो ऐसे जवान हैं, जो ऐसी तेज तरार महिला अधिकारी हैं, सारे लोग आपकी सुरक्षा के लिए पहुंचेंगे। तो ये एक नंबर नहीं है बल्कि एक सुरक्षा का एहसास है, ये आपकी शक्ति है। कैमरा पर्सन दीनानाथ होजा के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।